नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने आपको समझाया था कि मार्केट के अंदर जो है कोई भी बड़ा प्लेयर कोई भी पोजीशन लेके नहीं जा रहा है, लेकिन अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन के हिसाब से हमको क्लियर था कि यहाँ पर मार्केट जो है 18,000 से लेके और 18,200 तक की रेंज के अंदर ही प्ले कर सकता है एक्सपायरी होने तक। और मार्केट ने एग्जैक्टली 18,000 से लेकर 18,200 की ही रेंज के अंदर मार्केट ने 2 दिन बिताए, कल का भी दिन बिताया इसी रेंज के अंदर और आज का दिन भी बिताया। ओवरऑल जो है मार्केट ने टाटा पॉइंट्स को फॉलो किया। ये सब चीज़ जो मैंने अपडेट किया था वो सब चीज़ मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट किया था। ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ओरिजिनल के साथ ही जुड़ना क्योंकि काफ़ी फेक चैनल भी बने हुए हैं मेरे नाम से, तो उनसे बच के जरूर रहना। ओरिजिनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोस्तों, मार्केट की जो कैंडल है वो देख सकते हैं यहाँ पे। करेक्शन के हिसाब से मार्केट जो है अब धीरे धीरे अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, ठीक है। पहली चीज तो ये, तो रेजिस्टेंस के आसपास जो है अपना प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आएगी, वो आई। लेकिन नीचे के लेवल से अचानक से एक रिकवरी भी हमको देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों, मार्केट में पिछले दिन की कैंडल का हाई आज ब्रेक नहीं हुआ है और पिछले दिन का जो लो है वो आज ब्रेक हुआ है, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। अब ये चिंता का विषय बड़ा तब होगा जब एग्जैक्टली सेकेंड डे भी यही प्रोसेस होगा। देखिए, ये चीज़ जो है ना वो वन डे के बेसिस के ऊपर आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वन डे में ऐसा चलता है, ठीक है। लेकिन जब सेकेंड डे भी ऐसा ही होगा कि आज की जो कैंडल बनी है उसका भी हाई नहीं तोड़े कल का दिन और इस कैंडल का लो तोड़ दे, कौन सा दिन, कल का दिन, तो यहाँ पर डेफिनेटली चिंता करने का टाइम आएगा और वहां पर हमको थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत है। तो ये प्रेडिक्शन के बेसिस के ऊपर मैं बता रहा हूँ आपको केवल और केवल। तो प्रेडिक्शन जो है वो केवल और केवल यहाँ पर एक कॉशन का टाइम बता रहा है। अब देखते हैं आगे कल क्या हमको ये चीज देखने को मिलेगी या नहीं, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर अब जो डाटा पॉइंट्स हैं वो क्या बोल रहे हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए, आज भी जो है पोजिशन हर जगह क्लोज हुई है क्योंकि ऑप्शन चेन की एक्सपायरी थी आज, तो आज भी कोई पोजिशन नहीं बनी फिलहाल किसी भी प्लेयर की, तो अभी भी कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई है, ठीक है, इस बात को समझ के चलिएगा। दूसरी चीज, FIIs जो है वो अभी भी कैश में बाय कर रहे हैं, आज भी उन्होंने कैश में बाय की है लेकिन बहुत हल्की फुल्की बाय की है, ठीक है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है, वैसे कैश में अगर रेगुलरली बाइंग चलेगी तो मार्केट अगर नीचे गिरती भी है तो बहुत नीचे नहीं जाएगी मार्केट, इस बात को सब समझिएगा। तो कैश में अभी भी बाइंग चल रही है और ये बाइंग जो है 20 अक्टूबर से चल रही है और अभी तक चली रही है, कंटिन्यू है, इस पर फोकस जरूर रखिएगा। बात करते हैं इस वाले ट्रैकर की, तो इस वाले ट्रैकर में आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर बिल्कुल न्यूट्रल बैठे हुए हैं, उनके पास कोई भी पोजीशंस नहीं है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ फिलहाल ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स की मिला के, हाँ ऑप्शंस की तो कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर्स में थोड़ी देखेंगे तो फ्यूचर्स में जो पोजीशंस हैं किसकी हैं, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसका है ये ट्रैकर, हाँ अब आप समझ सकते हो। तो इसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की दोनों पोजीशंस मिली हुई हैं, समझना, ठीक है। लेकिन जो मैं ऑप्शन के अंदर कोई पोजीशन नहीं है उनकी, लेकिन फ्यूचर के अंदर आज उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड की हैं 15,000 के आसपास और जो एवरेज है इनका 18,100 के आसपास इन्होंने 15,000 पोजीशंस बिल्ड की हैं बेयरिश वाली। तो अब देखते हैं, अब इनके पास जो है 18,100 के आसपास जो है 15,000 बेयरिश पोजीशंस है और 17,525 का जो लेवल है उस एवरेज के आसपास इनकी 43,000 जो है वो बुलिश पोजीशंस है। यानी कि अब आपको एक रेंज मिल गई, कैसे, 17,500 से लेके 18,100 की रेंज। अब 18,100 के ऊपर अगर मार्केट जाता है डेफिनेटली ये लोग अपनी बेयरिश पोजीशंस क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ख्याल रखना, अगर जाता है 18,100 के ऊपर तभी हम फ्रेश बेयरिश पोजीशंस बनाएंगे, अदरवाइज हम फ्रेश बेयरिश पोजीशंस अब नहीं बनाएंगे, हम 18,100 के ऊपर ही केवल और केवल फ्रेश बुलिश पोजीशन, सॉरी मैं बेयरिश पोजीशंस कह रहा हूँ, 18,100 ये लेवल के ऊपर जब मार्केट जाएगा तब हम फ्रेश बुलिश पोजीशन बनाएंगे, स्टॉप लॉस रहेगा यही वाला 18,100 का, समझ में आ गया। तो ये एक इंडिकेशन है डाटा पॉइंट के हिसाब से कि हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है। अगेन 18,100 के ऊपर ही मार्केट में एक फ्रेश बुलिश पोजीशन बनाने का टाइम आएगा, स्टॉप लॉस रहेगा 18,100 का ही, मैंने समझा दिया, ठीक है। तो ये हो गया डाटा पॉइंट्स के हिसाब से। और अब फाइनली देख लेते हैं ऑप्शन चेन के हिसाब से क्या व्यू निकल के आ रहा है। आज भी देख सकते हो आप यहाँ पे जो कैश के अंदर कोई मेजर काम नहीं हुआ, DIIs जो है वो जितना सेल कर गए हैं उतना ही FIIs ने बाइंग कर लिया है
ओवरऑल कोई मेजर एक्टिविटी आज नहीं थी, पूरा दिन मार्केट एक रेंज के अंदर ही घूम रहा था। 100 पॉइंट की मार्केट थी आज और रेंज के अंदर ही मार्केट घूम रहा था, 18,000 से लेकर 18,100 की पॉइंट के बीच में। 3 नवंबर की एक्सपायरी हो चुकी है, हम फटाफट से देख लेते हैं 10 नवंबर की एक्सपायरी। 10 नवंबर की एक्सपायरी क्या कहती है, उसके लिए हमें मार्केट के अंदर टाटा पॉइंट चेक करने पड़ेंगे ऑप्शन चेन के। ऑप्शन चेन में अभी फिलहाल तो कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं है किसी भी बड़े प्लेयर की, लगन अगर बेसिक देखा जाए तो बेसिक क्या बोल रहा है, बेसिक ये बोल रहा है कि 18,200 से लेकर 18,300 का रेंज इस हफ्ते के लिए एक टफ रेंज रहेगा, टफ फाइट रहेगी आप बुल्स एंड बियर्स की। अगर मार्केट 18,200 से लेकर 18,300 के बीच में कहीं ना कहीं आता है तो हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब एक पोजिशनल ट्रेड है तो उसके लिए अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तुम निकल जाओ बुलिश पोजिशन से, ठीक है। रेंज जो है वो ये है, और अगर इसके ऊपर निकल जाता है मार्केट फिर तो बल्ले बल्ले, ठीक है। लेकिन अभी अपनी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाली स्ट्रेटेजी जो है जरूर अपने ट्रेड्स के अंदर लगाना, वो भी कौन से वाले ट्रेड्स के अंदर, लॉन्ग यानी कि बुलिश पोजिशंस के अंदर लगाना, ठीक है। ये डाटा बता रहा है, और इस हफ्ते के लिए मतलब 10 तारीख की एक्सपायरी जो है उसके अंदर एक ट्रेडिंग सेशन ऑफ भी है, मतलब 4 ही दिन का सेशन है, याद रखना 4 दिन का सेशन, ट्यूजडे की छुट्टी है। तो इसीलिए इस हफ्ते मतलब जो अपकमिंग हफ्ता कल से चालू होगा उसके अंदर यहाँ पर 18,200 से लेकर 18,300 का एक रेसिस्टेंस लेवल है, इसके बीच में कहीं मार्केट मिले तो डेफिनेटली थोड़ा सा कॉशन बढ़ा लेना अपना, मतलब माइंड में थोड़ा कॉशन लेके आना। और 18,000 के बाद जो है अगला सपोर्ट जो है वो आपका मेजरली 17,800 17,900, यानी कि ये भी एक सपोर्ट का रेंज है। तो यानी कि मार्केट जो है 500 पॉइंट के अंदर घूम सकता है 17,800 से लेकर 18,300 के बीच में, ये एक रेंज है इस हफ्ते की। तो ये सपोर्ट हो गया और ये रेंज हो गया रेसिस्टेंस का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया ऑप्शन चेन। अब मार्केट कहाँ खुलेगा उस हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे, रेसिस्टेंस के आसपास खुलेगा लॉन्ग नहीं बनाएंगे, सपोर्ट के आसपास खुलेगा तो हम डेफिनेटली लॉन्ग बनाएंगे। इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। बात करते हैं बराबर से बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी क्या चाहता है वो चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट अभी आपके सामने ओपन होगा। तो बैंक निफ्टी देखो दोस्तों, अभी भी मार्केट बैंक निफ्टी का एक ही पॉइंट एक ही बात कर रहा है। जब बैंक निफ्टी भाग रहा था, सॉरी मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है इस वक्त को समझने की कोशिश करो, ठीक है, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ उस पर फोकस करना। मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट अभी खोल के दिखाता हूँ, पहले फोकस करो। चलो इसको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं। चलो अभी मैं दूसरा चार्ट खोल के दिखा दूंगा, ठीक है ना। अब जरा फोकस करो पहले यहाँ पे। जब निफ्टी भाग रहा था पिछले एक हफ्ते से, बैंक निफ्टी नहीं भाग रहा, क्लियर। जब निफ्टी आज जो है बैंक निफ्टी ने स्ट्रेंथ दिखाई, ठीक, लेकिन निफ्टी ने नहीं दिखाई। मेरी बात समझे कि टोटली इनवर्स कोरिलेशन चल रहा है। क्या चल रहा है? इनवर्स कोरिलेशन किसका? निफ्टी और बैंक निफ्टी का। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, समझ में आ गया? यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जाके जरूर चार्ट में देखना इस चीज को। तो यहाँ पर अभी जो है मार्केट मतलब दिवाली के दिन से अभी तक तकरीबन 10 दिन होने को हैं, 10 दिन हो गए हैं दिवाली के दिन से अभी तक, और टोटली एक रेंज में है मार्केट। जिधर भी की रेंज टूटेगा उधर के आपको 500 से 600 पॉइंट का मूव आराम से मिल जाएगा। ये डिस्कशन हमने कल भी करा था, आज भी कर रहे हैं, और जब तक ये रेंज नहीं टूटेगी जब तक हमें ये डिस्कशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर का रेंज आप जानते हो 41,500 का है, तो ये टूटेगा तो आराम से 42,000 तक के टारगेट मिल जाएंगे। और नीचे का रेंज है जब वो जो है 40,800 का है, ये टूटेगा तो मार्केट में आपको 40,200 तक के टारगेट आराम से मिल जाएंगे। जिधर का भी टूटे, जिधर भी क्लोजिंग बेसिस के ऊपर जहां पर भी नीचे का टूटे ये वाले रेंज, तो ये टारगेट के लिए प्ले करो, ये रेंज टूटे तो ये टारगेट के लिए प्ले करो। और मार्केट में यही है अभी फिलहाल। तो अभी जो डाटा है वो डाटा थोड़ा सा रेंज बाउंड डाटा है अगले हफ्ते के लिए, मैं आपको पहले बता देता हूँ। रेंज मैंने आपको समझा दी है, ऊपर मार्केट मिले तो थोड़ा सा क्लोजिंग की तरफ ध्यान देना, बुलिश पोजीशंस की पूरी थोड़ी सी पोजीशंस थोड़ा हल्की कर लेना, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि केवल मंडे ही मार्केट खुलेगा, ट्यूजडे को फिर छुट्टी होगी, सैटरडे संडे भी छुट्टी होगी, तो आपका प्रीमियम डे के ज़्यादा होगा, ठीक है। बाकी आपको जो करना है वो कर सकते हो अपने हिसाब से। मेरा तो आपको जो डाटा पॉइंट बता रहा था मैंने आपको वो सुझाव दे दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल अपने लाइव टेलीग्राम चैनल के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन में।
दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।